नमस्कार, लवली की रसोई में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रसोई में विशेषकर बच्चों की फेवरेट पिज्जा पॉकेट बनाने जा रहे हैं, जो कि मैक्सिमम 15 मिनट में बनकर तैयार होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक पिज्जा पॉकेट तोड़कर दिखाती हूँ कि है कितनी ही चीजी एवं क्रिस्पी बनी होती है। अंदर से एकदम से चीजी होती है और ऊपर से क्रिस्पी होती है, खाने में भी बहुत यम्मी लगती है। तो आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। पॉकेट पिज्जा के लिए हमने यहाँ पर कुछ ब्रेड स्लाइस ली हुई है, स्वीट कॉर्न लिया हुआ है, मोजरेला चीज, टमाटो, कैप्सिकम, कैबेज और फ्रेंड्स ये है पिज्जा सॉस और ये मैंने थोड़ी सी मैदा ली हुई है। अभी हम इन सबको काट कर छोटा छोटा कर लेंगे और चीज को भी आप काट ले या फिर आप इसको क्रश करना चाहें तो क्रश कर ले और ब्रेड से आप सारी साइडें हटा ले। ये देखिए हमने सारी सब्जियों को एकदम से बारीक चॉप कर लिया है और मोजरेला चीज को भी मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। अब आप एक पैन रखें, पैन में हमने यहाँ पर एक चम्मच ऑयल डाला हुआ है, थोड़ी सी राई के दाने। अब हमने जो सब्जियां चॉप की हुई हैं, आप वो इसमें डाल दें। फ्रेंड्स, जो हमने चीज को कट किया हुआ था, आप चीज को भी इसी में डाल दें, जिससे कि आपकी चीज मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, नमक। अब आप इस सबको 2 मिनट ढककर पका लीजिए। जब तक हमारी स्टफिंग तैयार हो रही है, हम इस मैदा से एक घोल तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आपको ज्यादा मैदा नहीं लेनी है, केवल 2 चम्मच मैदा ही लें और इससे आप एक घोल बना लें। ये देखिए, आपको बस इसी प्रकार से घोल तैयार करना है। अब हमने जो ब्रेड स्लाइस कट करके रखी हुई थी, आप इनको हल्का हल्का सा इस प्रकार बेल लें। दो मिनट हो चुके हैं, अब आप इसको खोलकर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियां हल्की सी फ्राई भी हो चुकी हैं और चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो स्वीट कॉर्न लिया हुआ था, आप वह भी इसमें मिक्स कर दें। थोड़ा सा हरा धनिया और फ्रेंड्स, अब हम इसमें 1 चम्मच पिज्जा सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए, अब हमारी स्टफिंग एकदम से तैयार है। आप गैस को बंद कर दें और इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। सारी ब्रेड को हमने अच्छे से बेल लिया है। ये देखिए, आप इसी प्रकार इनको बेल लें। अब हमारी स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसमें स्टफिंग रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी बढ़िया और एकदम से चीजी स्टफिंग बनी हुई है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस स्टफिंग में थोड़ी सी मैदा और सॉरी थोड़ा सा आप ओनियन ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसमें ओनियन नहीं डाला हुआ है, अगर आप चाहें तो इसमें ओनियन डाल लें। अब हमने जो ये मैदा का घोल बनाया था, आप इसको इस प्रकार साइड से थोड़ा सा लगाएं और इसको इसके ऊपर इस प्रकार से प्रेस कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना खूबसूरत पिज्जा पॉकेट बनकर तैयार होगा। इसी प्रकार हम सारे पिज्जा पॉकेट भरकर तैयार करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी पिज्जा पॉकेट भरकर तैयार कर ली हैं। फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है कि आप एक एक पिज्जा पॉकेट उठाएं और उस पर हल्का हल्का सा इस प्रकार मैदा को कोट कर दें, जिससे कि आपकी एक भी पिज्जा पॉकेट खुलेंगी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार आप इनको हल्का हल्का सा ब्रश से कोट कर लें। फ्रेंड्स, जब तक हमने ये सारी पॉकेट्स भरकर तैयार की थी, मैंने यहाँ पर ऑयल गरम करने रख दिया था, जो कि अब अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें पिज्जा पॉकेट को छोड़ देंगे। इसी प्रकार हम सारी पिज्जा पॉकेट पर हल्का हल्का सा मैदे का घोल लगाएंगे और इनको गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी पिज्जा पॉकेट अच्छे से डीप फ्राई हो चुकी हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पैन में एक भी पिज्जा पॉकेट खुली नहीं है। फ्रेंड्स, इसका कारण यही है कि जो हमने ऊपर से मैदे के घोल की इस पर कोटिंग की हुई थी, इसी वजह से है इतने अच्छे से बनकर आई हैं। अब हम इनको एक बटर पेपर पर निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी खूबसूरत सी पिज्जा पॉकेट बनकर एकदम से तैयार है। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ कोई छोटी मोटी पार्टी है या आपने किटी पार्टी रखी हुई है, तो आप उसमें यह बनाएं। यह खाने में बहुत ही यम्मी लगती है और बनने में भी बहुत जल्दी बन के आती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी पिज्जा पॉकेट की रेसिपी पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें और मेरे चैनल लवली की रसोई को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।